राम राम दोस्तों, आप पीछे देखने लग रहे हो कि भाई सोतनिया का हमने पोस्टर जो है वो लगा रखा है। तो मेरा गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है सोतनिया। यो हुक्म का इक्का यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है और लिंक आपने हमारे व्लॉग में भी डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, क्योंकि आमरीन साथ में है तो व्लॉग जरूरी था। क्यों जरूरी था? अपने गाइज जो भी गाइजे हैं तेरे गाइजो बोलो एक बार उनको। आप शूटिंग पे भी थे गाने में? शूटिंग पे मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया और मैंने बहुत बड़ा साथ दिया गाने में, भावे बैठ कर देखने का। वाह, बहुत मजा आया। ये क्या बात है। और मेरे साथ में इस गाने में है, आपने प्रोफाइल में भी देख लिया, पीछे अभी भी झांक रहे हैं मेरे को और यहाँ से भी झांक रहे हैं मेरे को। मेरी बारी आएगी। जी राम राम जी, कैसे हो आप सब? और स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का। और आज हमारा गाना रिलीज हुआ है सोतनिया, तो गाइस फुल सपोर्ट देना और लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे और अभी थोड़ी थोड़ी देर में मिलते रहेंगे। बिल्कुल, और इतने ही से ही काम नहीं चला दोस्तों हमारे यहाँ। आपको देखने को मिलेगा एक अलग से चेहरा, इनको आप अलग से देखते हो यूट्यूब चैनल पर। राहुल अत्री, राम राम जी। राहुल अत्री भाई जो है वो आपने देखे होंगे कंट्रोवर्शियल। ये आपने बचन तक पता चल गया हुआ। और भाई राहुल अत्री भाई के साथ में एक लंबा सफर तय किया हमने भी। बिल्कुल बिल्कुल, इनके शुरुआती दिनों दो ढाई साल हो गए। तो भाई राहुल अत्री भाई का यूट्यूब चैनल है, इनको भी आप सब्सक्राइब कर देना। और साथ में जो है हमारे स्टार न्यूज, स्टार मीडिया हरियाणा के जो है मंजीत भाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन भाई जी। आपका गाना आ रहा है सोतनिया। सोतनिया गाना आ गया। सत्र कौन है? सत्र तो भाई गाने में देखने थे कौन है, बाकी गाना जो है जबरदस्त है भाई। बिल्कुल बहुत अच्छा गाया है रणबीर कुंडू भाई ने। चलो भाई थैंक यू सो मच। बाकी मैं न्यू चाहूंगा कि भाई तुम भी अच्छी तरह प्रमोट करो। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी। और मैं आपको मिलवा देता हूँ अपने ब्लॉग में। ऐसा हो नहीं सकता कि भाई सब हो और ये ना हो। ये है जम रोहित लांबा। अच्छा फिल्टर दबा दूंगा। सर सुंदर दिख रहे हैं यार, मैं थोड़ा सा चश्मा लगा रखा है ना मैंने। सर में चश्मा और फिर दूसरा में ना भी आया। अरे भाई ये तो ज्यादा ज्यादा जरूरी था, इनको थोड़ा जल्दी निकलना था। सुबह 3 बजे के निकले हुए हैं भाई, बहुत दूर से आया मैं यार। मैं राजस्थान में रहता हूँ, कहाँ से आया तो सर का गाना है भाई सोतनिया। मैंने देखा वीडियो में जो कॉमेडी हर बार आया कर वही इस बार है सर का, जो अलग ही जोनर है भाई। और डीजे पे गाना चलेगा ये आपको पता है, क्योंकि एक गाना विजय वर्मा सर का बजता ही है हर साल, तो ये गाना भी बजेगा सर। आपको पहले मैंने बता दिया मैं तो। क्या बात है, बढ़िया करता हूँ। क्या जी और रणवीर जी ने। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी पार्टी होगी आपके साथ बात। और मैं मिलवाना चाहूँ हमारे जो है दूसरी बार स्टार न्यूज के जो हमारे सुंदर भाई। राम राम जी सारे भाई ने। और भाई जो सोतनिया का नाम है उसने भाई जरूर देखो। और भाई डीजे पर जब भी शादी में जाओ ना तो यो गाना जरूर बजवाइयो। धुम्मा ठा दो भाई, धुम्मा ठा दो। और भाई भाई का चैनल है स्टार सुंदर न्यूज। तो भाई भाई के चैनल ने भी जो है सपोर्ट कर दियो भाई। और पीछे हमारे प्रोफाइल में भाई दाएं बाएं बचते हुए नजर आ रहे हैं, वो है मंदीप देशवाल। राम राम जी सब ने। आज भाई बड़ा खुशी का मौका है, हुकम का इक्का कंपनी में आए हैं और सोतनिया सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज कर दिया है। हुकम के इक्के जाओ दोस्तों, गाने तो प्यार करियो, शेयर करियो। प्यार का मतलब अंगूठा टेक दियो उस लाइक के बटन पे। लाइक के बटन पे। और दूसरी बात मैं बताऊं, विजय सर के गाने में जो लोकेशन है वो अभी बेहतरीन हो है। और भाई कॉमेडी तो आपने देखने नहीं मिल लगी। लोकेशन तो मैं बताना चाहूंगा कि लोकेशन इस बार हमने गांव की रियल गांव के लिए बेहतरीन लोकेशन सर, क्योंकि मैं तो गाने में एक एक चीज देखा हूँ आपकी, तो लोकेशन है वो बड़ी जबरदस्त है। और आपका नीतू मैडम का काम बहुत अच्छा है, जो सोतन है उसका भी काम बहुत अच्छा है। लेकिन वो कौन है सोतन, वो गाने में जाकर गाने में ही पता चले, वो गाने में पता। पीछे जो है हमारे हुक्म का इक्का से जो है अरविंद भाई है, तो अरविंद भाई स्वागत है। ये जो है आमरीन का जो है ब्लॉग बनाती है आमरीन का भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो। अरे इतनी क्यों है ना आमरीन, जब तक मैं तो उसने दिखा रहा है और उसका बोलने का तरीका भी उसमें थोड़ा ज्यादा। चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और बढ़िया बढ़िया वीडियो आती रहूंगी लगातार। अच्छा सोतनिया गाने के बारे में मैं पूछना चाहूंगा, कैसा लगा आपको गाना पर्सनली बताना? मन को बहुत बढ़िया लगा। अरे ज्यादा शेयर करना लग रही है, अरे तम भी करियो और डीजे बजाओ फुल। बिल्कुल भाई डीजे पे बजा के। और भाई मैं मुझे या नीतू जी को या अमरीन को आप डीएम कर सकते हैं वीडियो, जिस किसी भाई की वीडियो अच्छी लगेगी उसको स्पेशल गिफ्ट टाइम पर मिलेगा कंपनी की तरफ से।
तो विजय भाई अपने दर्शक देखने लाग रहे हैं, इन खातर कैसे स्पेशल है? स्पेशल तो भाई गाना है और गाने ने प्यार दो, और एक चीज और स्पेशल है जी बताइए, जो भी बढ़िया रील बना होगा, बढ़िया डीजे की वीडियो बना बना के मारते डीएम करेगा जी, नीतू वर्मा को डीएम करेगा, विजय वर्मा ऑनलाइन को डीएम करेगा, और हमारे पास जिनकी वीडियो आपकी जिनकी रील जो है बढ़िया लग गई कंपनी की तरफ से, उनको स्पेशल गिफ्ट है, गिफ्ट मिलेगा स्पेशल। मैं अभी नहीं खुलासा करना चाहता कि क्या गिफ्ट है, क्योंकि स्पेशल ही है, स्पेशल है। ये अच्छी बात लगी सर, सब आपके लिए कहीं कहीं भी मिलता है। पता क्या है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बाकी सारी बातें तो मजाक की चलती रहती हैं। जो जितने भी कलाकार साथी हैं, चाहे वो बॉलीवुड में हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो कुछ भी नहीं है दो बंदों की वजह से। एक तो है ऑडियंस, दर्शक अगर प्यार नहीं दे तो कुछ नहीं। दूसरा है मीडिया, अगर मीडिया आपको दिखाती नहीं टाइम टाइम पे, अरे आपको कैसे पता चलेगा कि फलाना आदमी उड़ चला गया, उसकी पार्टी में डूकर गया, कंट्रोवर्सी कहाँ से पैदा होती है, आपको कैसे पता चलता है? बाकी अगर किसी का गाना रिलीज हो रहा है तो आपको कैसे पता चलता है? हम कलाकार तो ज्यादा से ज्यादा अपने इंस्टाग्राम तय फेसबुक तय अपने इन पता तो डांस का हाँ। अगर आपको यूट्यूब की खबरें, अगर आपको सारी चीज़ें देते हैं, फिल्मों की खबरें, हमारे पर्सनल निजी जिंदगी की खबरें, क्या नोक झोंक चल रही है, किसके साथ किसका क्या अफेयर चलने वाला है, किसका नहीं चलने वाला है, किसकी किसकी टूटने वाली है, किसकी बनने वाली है, सारी चीजें तो यार ये लोग दिखा हुए हैं। इन ना भाई प्यार दिया करो, देखो किस तरह खाना रहे आनंद है, देखो जब भी आपने मेहनत की बात की, जब भी इन पर कैमरा दिया, कभी कॉफी पीते नजर आए सर, तो इंटरव्यू वाला क्यों नहीं दिखाया फिर, इंटरव्यू ले रहे हम भाई, इंटरव्यू मेहनत तक करना, काम तक करा यार, इससे पहले जितनी बातें बोली सारी सीरियस बोली है भाई, अब मैं मेरे जी साथ में अगर सीरियस हो गया तो यार दिक्कत नहीं हो जाएगी। लेकिन भाई आज मजा आया, चार चैनल आज विजय सर का फंसे रहे, देखो हरियाणा के एक सुंदर भाई, मंजीत भाई और अपने यात्री भाई हरियो तो भाई और सौदा है। मैं बताऊँ आपने खास तौर पर की एक्चुअली क्या है की मैं इन भाइयों ने पर्सनली जानता हूँ, सब छोटे भाई हैं और इनके साथ रिलेशन तब से है मेरा, जब से ये इन चैनल भी जो है खड़ा नहीं करा तब से, शर्मन ने भी कई प्रोग्राम दाई के तौर पर गया, शर्मन ने भी कई कई प्रोग्राम में देखा आपका, आप भाइयों ने बहुत ज्यादा मोटिवेट करो। हाँ कारण उसका ये है यार, इनके बिना हम कुछ नहीं है, हमारे बिना ये कुछ नहीं है, दोनों ही चीज। अगर मैं सोचूं कि भाई कई कलाकार एटीट्यूड में हो जाए, मेरा ये तो इंटरव्यू लेना है, अरे तू इस काबिल है, तेरा इंटरव्यू लेना है, तू इसका भी लेना, तेरे घर में एक समझे और कौन आएगा, आम आदमी छुटिया जाकर तो रहे इंटरव्यू लेने खातर, तो इंटरव्यू लेने खातर तो वही बंदा होगा जो वो डिजर्व करता है, वो भी डिजर्व करता है और आप भी डिजर्व करते हो, दोनों डिजर्व वाले बंदे हैं, एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। सर बॉलीवुड में जो आर्टिस्ट है सर उनकी पीआर भी होती है, पीआर एजेंसी खुद करवाती है, पीआर एजेंसी होती है, हमारे हरियाणा में पता ही नहीं पीआर होता है। बस मैं तो नहीं चाहूं भाई आने वाले टाइम में थारी भी एक यूनियन होनी चाहिए, एक बंदे को फोन कर दो और वो सारे के सारे जो है ये सच्चाई है, मेहनत हुई थी स्टार्टिंग में, सामने तो सुनते कौन है बता भाई, एक के भी उधर स्टार्ट नहीं हुआ, अब ज्यादा स्ट्रगल बता रहे हो सर। फिर मेरी लड़ाई मैडम बैट बिलर गाने को लेकर के, उस गाने को लेकर के ये हुआ कि वो आठवें और नौवें नंबर के गाने थे मैडम बैट बिलर और रेडी मार के नाची, मुझे वो पसंद आया, मैंने कहा मैं ये पहले और दूसरे नंबर के गाने, कंपनी वाले इस चक्कर में थोड़ा सा आपस में होता ही है, सब अच्छे के लिए काम करते हैं, वो भी उनके मन में भी अच्छा ही था। बाद में
बहसबाजी होने के बाद में इस बात पर बहसबाजी हुई कि इसमें दामन पहरेगी लड़की और धोती कुर्ता पहरेगा लड़का, और फिर वो कहेगा कि मैडम बैठ बैठा रहा। फिर मैंने कहा यार मैं जैसे मैं रहता हूँ कॉलेज में पढ़ाऊँ, कटी फटी जींस पहनता हूँ, सिक्स पॉकेट जींस पहनता हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसे क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहा? क्योंकि आज की जितने भी मेरे युवा साथी जितने भी हैं कॉलेज में जाते हैं या कुछ भी करते हैं, उस टाइम पर सिर्फ हम गाँव में ही दिखा पा रहे थे अपने गाने, गाँव में ही नरेंद्र बलारा जी के इनके सबके नाटक चलाया करते, हम शहर तक नहीं पहुँचे। मैंने कहा यार सारे शहर में आ गए हैं, गाँव वाले भी शहर में आ गए हैं, पढ़ के जाते हैं बसों में, फिर अपने घर पर जाते हैं सारे। तब मैंने कहा कि जैसे हम हैं वैसे ही इस गाने को फिल्माएंगे। तब वो गाना बना था, फिर वो बहुत सुपर हिट हुआ, फिर धीरे धीरे करके कंपनी वालों ने भी सारी बातें माननी स्टार्ट कर दी। तो सिर्फ एक छोटा सा मोटिवेशन देना चाह रहा था आप लोगों को कि जिंदगी में कभी हार मत मानिए। मैंने भी हर चीज़ देखी है, खुद अपने गाने की सीडी लेकर के जोड़े में सीडी लेकर के हम लोग जाया करते दुकान में, धरकाया करते, दुकानदार मना कराया करता, दुकानदार मुँह कराया करता कि नहीं भाई आप लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं नाम लूँगा कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी है, आज बॉलीवुड के गाने भी रिलीज करती है, टी सीरीज कंपनी है, मैं नाम ही ले लेता हूँ, मेरे को डर नहीं लगता किसी से अपनी मेहनत पर खड़ा हूँ। टी सीरीज कंपनी ये बना कर दिया करती कि इनके जोड़ा छाप ये जो है आते हैं इनके गाने रिलीज करोगे तो सलमान खान की वीडियो नहीं मिलेगी तुमने, अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं मिलेगी तुमने। तुम्हारे को ऐसे काउंटर होता था दुकान पर, पोस्टर भी नहीं लगाया करते। मैंने कहा यार मेरा पोस्टर भी लगा दो हटा, बोला भाई साहब टी सीरीज वाले आएंगे या फिर और बड़ी कंपनी वाले आएंगे वो हटा देंगे, और हमने हमारी दुकानदारी भी चलानी है। नीचे रख दिया करते काउंटर के 20-25 सीडी, अब इसके पैसे भी जब मिलेंगे जब ये बिक जाए। नीचे नीचे उन्होंने बेची धीरे धीरे करके, 7 दिन में उस टाइम का रिकॉर्ड था बागड़ की छोटी गोरी गोरी, 7 दिन में 50,000 सीडी दी है, उस टाइम का रिकॉर्ड था। धीरे धीरे करके फिर पहचान मिल गई, मैडम बैठ बैठ रहा था, फिर वहाँ पर सलमान खान के बराबर में बैठा, वहाँ मेरा पोस्टर बैठा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, धीरे धीरे उतार चढ़ाव कलाकार की जिंदगी में जुटाना चाहिए, डाउन टू अर्थ हमेशा रहना चाहिए। उसका दो कारण है, क्योंकि एक कलाकार को ना हमेशा स्टारडम की आदत हो जाती है कि मेरे फोटो खींचे, मेरा ऑटोग्राफ हो, लोग मुझे हाय करें, मैं कहीं भी जाऊँ। धीरे धीरे करके दौर बदल जाता है, टाइम बदल जाता है, क्या पता वो टाइम उसके पास ना रहे। 2 साल सब कलाकारों के आते हैं, कोई भी आ जाए, कोई बदमाशी गाने लेकर आ जाए, कोई गिम्बल लेकर आ जाए, कोई कुछ भी। अगर आप में दम है और टैलेंट है आपको कोई हिला नहीं पाएगा। सेकंड, टैलेंट है लेकिन नेचर अच्छा नहीं है तो आपको हिला देगा, आपको कोई काम नहीं देगा मार्केट में, क्योंकि नेचर खराब है आपका। अगर नेचर भी अच्छा है और टैलेंट भी ठीक है तो आपको कोई भी आपको लड़की ऊपर खड़ा कर लेगा दोबारा। तो ये दो चीज़ें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। डाउन टू अर्थ रहोगे तो वो दौर जो बीच में खराब दौर है मेरा, मैडम बैटर और ये सारी सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा हिट हुई, बीच में छोटा सा गैप आया, मैंने फाइटर फिल्म बनाई 2-3 साल के लिए, मैं फाइटर फिल्म में बिजी हो गया। मेरी कमी क्या थी कि मैंने फाइटर फिल्म के अंदर साउथ वाली फाइट करने की कोशिश करी, उसमें जो है केबल रस्सी से बांध के उड़ाते हैं दूसरे को, ये ऐसा कुछ था, तो वो रस्सी को यहाँ पे काट नहीं सका। तो इस चक्कर में मैं कोई दूसरा काम कर नहीं सका, इस चक्कर में बहुत बड़े बड़े कलाकार जो है हमारी हरियाणा इंडस्ट्री में और डेवलप हो गए, मेरे पास काम कम हो गया। और फाइटर फिल्म बनाई, फाइटर फिल्म 2 हफ्ते चली, बहुत बढ़िया हिट रही, पर फिर दोबारा से कम बैक करने के लिए गानों की इंडस्ट्री के अंदर मेरे पास जगह नहीं थी। मैंने हार नहीं मानी, मैंने गाना बनाया, आप सब के बीच में 800 मिलियन से ज़्यादा गाना है सेंडल, मैंने दोबारा बनाया, कम बैक करा सेंडल गाने को, मेरी मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। मन ने सेंडल गाना बनाया, उसके तुरंत बाद मुलाकात गाना बनाया, उसके बाद छुट्टी गाना बनाया, धीरे धीरे करके सब दामना के पीछे पड़ रहे हैं। अपना बाबू सोना गाना बनाया, बाबू सोना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हाँ फिर बटे उतार पीता बना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी की वेट मत करो कि मुझे कोई चांस देगा, चांस खुद को देना होता है खुद। जब आपने ठान लिया कि आपने हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, तो बनना है, आपने आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। गांव की ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी वीडियो वायरल हो रही है, जिनके अगर देखोगे आप, मतलब हमारे तो बहुत कम इंस्टाग्राम पर, क्योंकि हम लोग इतने चलाते नहीं थे, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं गाँव की लड़कियों के, जिनको मतलब जो गाँव की ही बोलती है बेचारे, ऐसे मेवाल साइड से भी बोल रहे हैं। तो कभी हार मत मानो, आगे बढ़ोगे और हमेशा बढ़ोगे। ये तो एक छोटा सा थैंक यू सो मच सर।
कैसे घूमना है आपको इस बार बिना शूटिंग के? हाँ, मैं मनाली गई थी घूमने और पापा ने मूवी की सॉन्ग शूट कर लिया जिसमें मैं नहीं थी, और एक दिन बचा था हमारा घूमने का, हम अच्छे से घूम सकते थे, लेकिन पापा ने उस दिन मेरा भी सॉन्ग शूट कर दिया जरूरत नहीं थी, जरूरत थी नहीं था, देखो हमने धक्के से की, धक्के से की, हम घूमने के लिए गए थे पर शूटिंग करके ही आ गए। लेकिन आपकी बार इन्होंने एक वो रख रखी है, शर्त रख रखी है, क्या शर्त रखी है कि घूमेंगे लेकिन शूटिंग नहीं करेंगे। हाँ, इन्होंने ये सर, ये फैमिली के लिए टाइम करना चाहिए ना सर थोड़ा सा। अच्छा, मैं चाहूंगा कि एक बार आमरीन से भी आप पूछो कि इसको गाना कैसा लगा सोतनी। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और शूटिंग हो रही थी तो मैं वहीं थी, मेरे को तब भी बहुत मजा आया था, और आपको सॉन्ग बहुत अच्छा लगेगा, और आप लाइक भी कर देना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। इतनी लंबी लाइन भी नहीं तो जी, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा गाना, मतलब इनके साथ रोल करना और फिर वही? सर मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ कि इनके साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। आप हर बार ही बोलते हैं, कुछ अलग बोलिए ना इस बार। सर वही सेम क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ना, अभी आप दूसरे चैनल वाले एक्चुअली रोहित जो है ना, वो ये सेम क्वेश्चन इसलिए बार बार पूछा है क्योंकि वो देखना चाह रहा है कि इरादे बदले हैं कि नहीं। मैंने कितना टाइम और चलेगा लास्ट टाइम, क्या मतलब क्या लास्ट टाइम हमने टाइटल ऐसा डाल दिया था कि मतलब विजय वर्मा जी बड़े शरीफ है, शूट भी बड़े शराफत से रहते हैं, मेरी तरफ भी देख रहे सब लोग शरीफ नहीं आ रहे। तो हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, पूरा दिन आज बहुत बिजी रहे, आज सॉन्ग रिलीज हुआ है सोतनिया, तो उसके ही प्रमोशन में लगे हुए थे, तो व्लॉग जैसा तैसा बना हमने शूट कर लिया। तो गाइस सोतनिया सॉन्ग रिलीज हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग घर पे पहुंचे हैं, आमरीन आते ही अपनी फ्रेंड के पास खेलने चली गई, और विजय जी बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ, और गाइज आदि गया है जिम में, तो गाना बहुत बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आप लिंक पे क्लिक करके देखना ज़रूर, और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइए कि गाना कैसा लगा आपको। और अभी आज बहुत थकान हो गई, सब लोगों से मिले बहुत अच्छा लगा आज मिलके, आज जिन जिन लोगों से मिले, रील बनाई हमने, काफ़ी वीडियो शूट करी हैं, वो आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर मिलेंगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नीतू वर्मा ऑफिशियल, और विजय जी का है विजय वर्मा ऑनलाइन, तो वहाँ आपको रील्स देखने को मिलेंगी, और फुल सपोर्ट करिए आप भी सॉन्ग को, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना और गाने को शेयर करिएगा। तो गाइस अभी काफ़ी थकान हो चुकी है, थोड़ी देर में खाना वाना खाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन दिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा व्लॉग्स। Thank you so much guys. Bye-bye.